नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से। तो आखिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है और आखिर क्या है इसके पीछे का इतिहास, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक भारत हर क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है। उस दौर में भी जब ना तो तकनीकी व्यवस्था इतनी कुशल थी और ना ही संसाधनों की इतनी सुविधा, बावजूद इसके उस वक्त भी देश के कई महान वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की जिसकी वजह से विज्ञान जगत में तहलका मच गया और इतिहास के पन्नों में उन महान वैज्ञानिकों का नाम हमेशा के लिए शामिल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम विज्ञान और वैज्ञानिकों से जुड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। आज के दिन का संबंध उस महान वैज्ञानिक की खोज से जुड़ा है जिसे उसकी खोज की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सर सीवी रमन। इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने साल 1928 को आज ही के दिन प्रकाश की किरणों का पारदर्शी चीजों से गुजरने पर हो रहे बदलावों को लेकर एक खोज की थी, उनकी इस खोज को रमन इफेक्ट नाम दिया गया। सीवी रमन को उनकी इस खोज की वजह से पूरी दुनिया में जाना गया। इसके लिए उन्हें साल 1930 को नोबेल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उनकी इस खोज के कारण साल 1986 से उनके सम्मान में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन के कई योगदान देखने को मिलते हैं। साल 1954 को उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मकसद युवाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हो रहे प्रयोगों को लेकर उन्हें प्रेरित करना है, उनकी रुचि को बढ़ावा देना है ताकि उनका विकास हो सके। स्कूलों और कॉलेज में साइंस से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं रखकर छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जाता है। साल 1986 का वो दौर जब वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का ऐलान किया गया, इसका मकसद जुड़ा था डॉक्टर सीवी रमन की खोज से। वो वैज्ञानिक जिन्होंने एक बड़ी खोज की थी, ये खोज प्रकाश की किरणों से जुड़ी हुई थी। इस खोज को जो उन्होंने साल 1928 में की थी और आज ही के दिन की थी, जिस वजह से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद छात्रों को विज्ञान आविष्कारों के प्रति प्रेरित करना है, साथ ही साथ छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने को लेकर उनकी दिलचस्पी और रुचि को नया आयाम देना है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, इतिहास की वो शख्सियत जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। तो चलिए नज़र डालते हैं कि आज के लिए उनका दिन क्यों इतना खास है और आज के दिन सोशल मीडिया पर उनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत की आज़ादी के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका देखने को मिली और उन्हीं में से एक थे भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतिहास की वो शख्सियत जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है, उनके बलिदानों को याद किया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1963 को उनका निधन हुआ था। साल 1950 से लेकर 62 तक उन्होंने बखूबी राष्ट्रपति का पदभार संभाला। 3 नवंबर साल 1884 को बिहार के सिवान में जन्मे राजेंद्र प्रसाद जी की शादी बचपन में ही महज 12 साल की उम्र में हो गई। बात की जाए अगर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर तो उन्होंने अपनी मास्टर्स पूरी करने के बाद बतौर प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाया, इसके बाद वो प्रिंसिपल भी रहे। साल 1990 में उन्होंने लॉ की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की। पढ़ाई करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया। भारत के संविधान निर्माण में भी उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली। वो स्वभाव से शांत, समझदार और दयालु थे। अंग्रेजों के अत्याचारों से भारत को आजाद करने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा का भी मुंह देखना पड़ा।
लेकिन बावजूद इसके उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और एक ऐसा वक्त भी आया जब वो राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में अपना जीवन बिताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने आजादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में उनका एक अहम योगदान रहा है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भी उन्होंने अपना पदभार बखूबी संभाला। आज के दिन साल 1963 को उनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं सहित उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।